एक कबाड़ी की दुकान है और इस अंकल से जो है मैंने बहुत बार सामान भी लिया हुआ है। उनके दुकान पर बहुत सारी चीज़ें जो है वैसे ही पड़ी रहती हैं। आपको दिखाता हूँ कि ये जो है पूरा SMD रेसिस्टेंस से पूरा का पूरा रोल ही पड़ा हुआ है यार, वैसे कचरे में पड़ा हुआ है। अगर आप इसे खरीदोगे ना तो ये लगभग 10-20 रुपये में पूरा दे देंगे। और यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंट जो कैपेसिटर होता है ना उसका पूरा पैकेट ही पड़ा हुआ है। देख सकते हो सब न्यू है, टोटली न्यू कैपेसिटर है, वो पूरा पैकेट ही पड़ा हुआ है। और ये भी जो है लगभग ये 20-25 रुपये में तो आपको पूरा दे देंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वाला एक DC फैन खरीद लूँ क्योंकि मुझे इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है। और यहाँ पर जो है एक 5 वोल्ट देख सकते हो, 5 वोल्ट 800 mA का एक अडेप्टर भी है, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 7 सेगमेंट LED, तो ये भी जो है यहाँ पर कचरे के भाव में वैसे ही पड़ी रहती है और जिसको ज़रूरत रहेगा वो जो है लेके जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं इनके पास, तो इनके पास से मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए एक जो है SMPS पड़ा हुआ है जो कि 12 वोल्ट 20 एम्पियर का है, 240 वाट का, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट भी है इसका मतलब। और बाकी यार बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये वाला देखो, यहाँ पर एक अडप्टर है जो कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक 12 वोल्ट 0.5 एम्पियर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इनके पास में मिल जाती हैं। यहाँ पर मैंने 2 DC मेल जैक ख़रीदा हुआ है इस अंकल के यहाँ से। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास में, आप जब इस मार्केट में आओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कुछ बातें और आपको बता देता हूँ कि अभी जो है यहाँ पर यार किसी भी सामान को अगर लेना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड तो उसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है, खासकर लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। क्योंकि जो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले फ़ैन दिखा रहा था, तो वो फ़ैन जो है पहले मुझे 10 रुपये का मिल जाता था या फिर 7 रुपये का मिल जाता था, तो अभी जो है वो 40 रुपये के नीचे ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने लिया नहीं। मैं बोला ठीक है अभी इससे अच्छा तो मैं नया ले लूँगा, तो अभी तो फ़िलहाल मैंने लिया नहीं, और कहीं देखूँगा अगर मुझे और कहीं सस्ते में मिल रहा होगा तो मैं वहाँ से परचेस कर लूँगा। तो बाकी अभी यार बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर, और जितना भी आप अंदर जाओगे इतने मतलब हर एक जो है आपको दुकानें मिलने को देखने को मिल जाएगी, बैटरीज की, ड्रोन की, जितने भी जो भी चीज़ें चाहिए आपको सभी की दुकानें यहाँ पर दिख जाती हैं। किधर लगाना आपको? अभी कह रहे हो ये जा रहा किधर? अभी यहाँ पर मैं थोड़ा वायर का हीट सिंक ट्यूब ले रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे साइजेस के मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो दिख रहा है इससे भी अगर आपको अलग साइज का चाहिए तो वो भी मिल जाता है। और फिलहाल तो मुझे और भी सोच रहा हूँ इसमें का भी एक को ले लूँ, बाकी मैंने 2 और लिया है यहाँ पर, ये अंकल पैक कर रहे हैं तो ठीक है और भी ले लेता हूँ मैं थोड़ा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर रोड के साइड में भी आपको जो है बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपकी जो है ज़रूरत की चीज़ें सभी मिल जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हो मैं ग्रांट रोड और एड्रेस यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, इस जगह पर मैं आ चुका हूँ। और फिलहाल यहाँ पर जो है सभी चीज़ें दुकानें हैं, जैसे कि ये पूरा स्विच का दुकान है और ये जो है पूरा स्पीकर्स का दुकान है। बाकी यहाँ पर मतलब जो पूरा मतलब कि अगर आपको स्विच लेना है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली पूरी स्विच की दुकान देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सेंसर वगैरह लगने हैं तो आपको पूरा सेंसर वाला इलेक्ट्रॉनिक का पूरा वही दुकान ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपको LED लेनी है तो पूरी LED की दुकान मिल जाएगी। अगर आपको वायर लेना है तो पूरा वायर का ही दुकान देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी चीज़ खरीदना है आप यहाँ पर आ सकते हो, हर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। और जो भी चीज़ आप मतलब खरीदना चाहते हो ना वो जो है आपको यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये जो है एक मोटर की दुकान है जो कि यहाँ पर जो है AC वगैरह और BLDC मोटर ड्रोन के पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो पार्ट शुरू होता है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के या फिर लैपटॉप चार्जर्स के अडेप्टर के कुछ भी मतलब पार्ट चाहिए सेकंड हैंड में तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। यहाँ पर मतलब पूरी लाइन से ही वही दुकानें हैं जहाँ से आप परचेस कर सकते हो।
यहाँ, और यार यहाँ पर अगर आ रहे हो ना तो यार अंकल के पास जो है यहाँ पर का बादाम सेब जैसे जो मिल्क वो भी बेचते हैं, यहाँ से आप पी सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। मैं यहाँ पर जितनी बार आया हूँ उनके यहाँ से ज़रूर पी के गया हूँ, तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो आप वहाँ पर देख सकते हो सड़क के उस पार, ये जो है गाला इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, और इसमें बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सभी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ पर मेसनेट टेक्नोलॉजी और जितने भी यहाँ पर सभी दुकानें हैं ना वहाँ पर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर, तो वहाँ पर जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और गाला वाले में एक्चुअली में आपको जो काफ़ी सस्ते प्राइजेस में जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है यहाँ पर ग्रांट रोड और बस स्टॉप का नाम आप देख सकते हो, डॉक्टर अंबेडकर मार्ग, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है उतर कर उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में घुस जाना और वहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है परचेस करने की, और मतलब मैं कुछ ऐसा नोटिस करके नहीं आया था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैंने जो है कुछ परचेस नहीं किया है। अभी चलो और आगे दिखाता हूँ आपको, और ये सभी दुकानें यहाँ पर रोड के किनारे जितने भी हैं आपको जो है यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाती हैं, कंप्यूटर्स की, स्पीकर्स की, सभी चीज़ें जो आप परचेस कर सकते हो। इस दुकान से मैंने जो है यहाँ पर ब्रशलेस मोटर ख़रीदा है, एसी ख़रीदा है और इसका कंट्रोलर भी ख़रीदा है। तो और यहाँ पर इस दुकान का एड्रेस देख सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखा सकता, और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इनके दुकान पर आ सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो इनके पास सभी प्रकार के मोटर देखने को मिल जाते हैं, जो भी मोटर चाहिए छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। हर एक तरह का मोटर जो है देखने को मिल जाता है इनके पास। तो अगर आप यहाँ पे परचेस करना चाहते हो तो मैं इनका, अगर यहाँ पे कुछ ख़रीदना चाहते हो तो मैं इनका शॉप का जो है लोकेशन यहाँ पर नीचे कमेंट में भी दे दूँगा, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अभी जो है मैंने सभी चीज़ें परचेस कर ली हैं, जो भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी सभी चीज़ें जो है मैंने ख़रीद ली है, और फिलहाल अभी तो यार काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और सोच रहा हूँ अभी घर पर चला जाऊँ, क्योंकि यार अभी लगभग 6 बज रहे हैं। तो सोच रहा हूँ अभी बस यार अभी आज के लिए फ़िलहाल बहुत होगा और घर पे चले जाता है।